वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक होगा मैन मेड फाइबर, इस टॉपिक के माध्यम से हम मैन मेड फाइबर का एक संक्षिप्त परिचय कराएंगे। हम डिटेल में जो है मैन मेड फाइबर का डिस्कशन नहीं करेंगे। इस लेक्चर की एक महत्वपूर्ण बात होगी कि हम किसी भी फाइबर के बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल उस फाइबर का एक संक्षिप्त परिचय कराएंगे। जैसा कि हमने पिछले जो है लेक्चर में नेचुरल फाइबर का आप को संक्षिप्त परिचय दिया था, उसी तरीके से मैनमेड फाइबर का। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये होगी इस लेक्चर की कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, नेचुरल फाइबर के बारे में डिस्कस किया। उस लेक्चर से कुछ संबंधित क्वेश्चन आंसर जो है इस लेक्चर में समाहित किए जाएंगे। मैनमेड फाइबर के साथ साथ उसको जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो है जॉब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्सटाइल फाइबर से एक महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, तो हम उस क्वेश्चन आंसर को भी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप पूरे लेक्चर को जो है ध्यान से सुनिए और पूरे लेक्चर में बने रहिए, आपको ये सारी बातें इस लेक्चर के माध्यम से मिल जाएंगी। आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं हम मैनमेड फाइबर के बारे में। इंट्रोडक्शन। फाइबर आर द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल टेक्सटाइल। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फाइबर, वन इज नेचुरल फाइबर एंड अनदर इज सिंथेटिक फाइबर आर मैनमेड फाइबर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फाइबर आर द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मटेरियल के लिए जो हमारा फाइबर है एक बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल कंपोनेंट है। और इस जो फाइबर है वो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक आर मैनमेड फाइबर। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल फाइबर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर हमारे जो है वो प्लांट या एनिमल्स से जो है प्राप्त होते हैं। मैन्युफैक्चर्ड फाइबर फॉर्मली टर्म्ड मैनमेड फाइबर। मैन्युफैक्चर्ड फाइबर फॉर्मली टर्म मैनमेड फाइबर आर फॉर्म फ्रॉम सुटेबल रॉ मटेरियल एज थिक स्टिकी लिक्विड विच इज स्पन आर एक्सट्रूडेड थ्रू स्पिनरेट होल्स फॉर्मिंग स्ट्रीम्स दैट आर सॉलिडिफाइड इनटू फाइबर। मैनमेड फाइबर आर विस्कोस रेयन पॉलिस्टर नायलॉन एक्रेलिक स्पेंडेक्स एक्सेट्रा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो है एक परिचय संक्षिप्त रूप से मैन्युफैक्चर्ड फाइबर के बारे में बताया गया है कि ये जो है मैनमेड फाइबर कैसे बनते हैं, कैसे मिलते हैं। तो मैनमेड फाइबर आर फॉर्म्ड ए सुटेबल रॉ मटेरियल। यहाँ पे एक सुटेबल रॉ मटेरियल की बात की गई है, यानी हर फाइबर के लिए एक स्पेसिफिक पॉलीमर होगा। वो पॉलीमर आपका नेचुरल पॉलीमर भी हो सकता है जिसको हम रीजनरेटेड फाइबर कहेंगे, या पॉलीमर हमारा केमिकल से फॉर्म होगा जिसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम केमिकल से जो है क्या बना लेते हैं, पॉलीमर बना लेते हैं। किसी भी फाइबर को फॉर्म करने के लिए उसका पॉलीमर बना लेते हैं। उस पॉलीमर से जो है हम अगला स्टेप हमारा क्या होता है, स्टिकी लिक्विड, थिक स्टिकी लिक्विड। हम जो है उस पॉलीमर से जो है एक जो है सोल्यूशन फॉर्म करते हैं, थिक सोल्यूशन फॉर्म करते हैं, और उसको हम स्पन उस विच इज स्पन आर एक्सट्रूडेड थ्रू स्पिनरेट। और उस सोल्यूशन से जो है हम जो है एक स्पिनरेट के माध्यम से जो है फाइबर फॉर्म करते हैं। स्पिनरेट क्या होता है, एक आप लोगों ने देखा होगा, आप सभी लोग जो है उससे परिचित होंगे। आप जैसे सेवइयां खाते हैं, तो सेवइयां हमारी कैसे बनती है, एक प्लेट होती है और उस प्लेट से जो है जो आपका आटा है उससे पास करा दिया जाता है। तो प्लेट में क्या होता है, फाइन होल बना होता है। उस फाइन होल से जो है हमारे सेवई का जो है शेप मिल जाता है। यहाँ पे भी जस्ट लाइक जो है उसी तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करिए कि स्पिनरेट हमारा एक प्लेट है, एक प्लेट स्पिनरेट हमारी एक प्लेट होती है जिसमें फाइन होल्स बने होते हैं। और उस फाइन होल्स से जो है हम जो आपका पॉलीमर है, पॉलीमर का जो सोल्यूशन है उसको जो है हाई प्रेशर पे पास करा देते हैं। तो उस फाइन होल से जो है हमारा जो है फाइबर शेप के रूप में एक लंबी जो है स्ट्रीम या फिलामेंट के रूप में जो है हमारे फाइबर फॉर्म हो जाते हैं, और जिसको हम सॉलिडिफाई कर लेते हैं। ये हमारा जो है मैनमेड फाइबर होता है। मैनमेड फाइबर आर विस्कोस रेयन
मैनमेड फाइबर हमारे कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम कुछ मुख्य फाइबर को लिए हैं, विस्कोस रेयन, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, स्पेंडेक्स फाइबर एटसेट्रा, ये हमारे जो है मैनमेड फाइबर होंगे, सिंथेटिक मैनमेड फाइबर होंगे जो जो है सिंथेटिक केमिकल से प्रोड्यूस, विस्कोस जो है नेचुरल पॉलीमर से प्रोड्यूस होगा, और विस्कोस रेयन नेचुरल पॉलीमर से प्रोड्यूस होगा, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक और स्पेंडेक्स फाइबर हमारे जो है सिंथेटिक पॉलीमर से यानी केमिकल से, केमिकल का पॉलीमराइजेशन कर लेते हैं और उस पॉलीमराइजेशन से ये फाइबर हमारे फॉर्म होंगे। सोर्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये जो पॉलीमर है उस पॉलीमर का सोर्स क्या है, वो पॉलीमर हमारा कहाँ से आता है, तो उसका पॉलीमर का जो है मेन सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस डिपॉजिट, कोल टार, ये हमारे जो है नेचुरल मैनमेड फाइबर के, मैनमेड फाइबर पॉलीमर के जो है सोर्स है जिससे जो है हमारा सिंथेटिक फाइबर फॉर्म होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैनमेड फाइबर, आप पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे हम इस मैनमेड फाइबर को पुनः अच्छे से समझने के लिए हमने इस एक पार्शियल क्लासिफिकेशन मैनमेड फाइबर का केवल लिया है, यहाँ से आपको जो है मैनमेड फाइबर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लियर हो जाएगा। देखिए मैनमेड फाइबर यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मैनमेड फाइबर जो जो केमिकल है, केमिकल हमारे दो तरीके के होंगे, एक ऑर्गेनिक दूसरा इनऑर्गेनिक। तो हम इनऑर्गेनिक केमिकल को देख, इनका इनऑर्गेनिक केमिकल से फॉर्म होने वाले फाइबर को देख लेते हैं। कार्बन, HCF आपका एक कमर्शियल इंडिकेशन है जिसको डिनोट करते हैं, इससे इससे कमर्शियल डिनोशन है ये। तो कार्बन, सिरेमिक, ग्लास, मेटल, ये हमारे जो है इनऑर्गेनिक फाइबर हैं। ऑर्गेनिक फाइबर को जो है हम जो पॉलीमर जो हमारे ऑर्गेनिक फाइबर में मिलते हैं वो पॉलीमर हमें दो रूप में मिलते हैं, एक पॉलीमर जो है नेचर से बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल फाइबर, नेचुरल पॉलीमर यानी एक वो फाइबर जो जिनका पॉलीमर नेचर से मिलता है, नेचुरल पॉलीमर को हम कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं फाइबर में, वो उस पॉलीमर को हम कहते हैं रीजनरेटेड मैनमेड फाइबर। उस फाइबर को जो फाइबर इन नेचुरल पॉलीमर से नेचुरल पॉलीमर को डिजॉल्व करके थिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके और स्पिनरेट से पास करा के हम फाइबर जो फॉर्म करते हैं उस फाइबर को हम कहेंगे नेचुरल नेचुरल पॉलीमर रीजनरेटेड फाइबर, रीजनरेटेड फाइबर। और यहाँ पे जो है सेकेंड जो मैनमेड फाइबर का ऑर्गेनिक का जो सेकेंड पार्ट होगा फ्रॉम सिंथेटिक पॉलीमर, यानी ये वो केमिकल वो पॉलीमर हैं जो केमिकल से फॉर्म होते हैं, ये जो पॉलीमर हैं सिंथेटिक पॉलीमर एक केमिकल कंपोजिशन से, केमिकल रिएक्शन से जो है हमें ये पॉलीमर फॉर्म होते हैं, पॉलीमर मिलते हैं, और इन पॉलीमर को हम जो है एक सॉल्यूशन, एक थिक सॉल्यूशन फॉर्म करके स्पिनरेट से पास करा करके और ये फाइबर प्राप्त करते हैं। हर एक फाइबर का अलग अलग पॉलीमर होगा, अलग अलग केमिकल से हमारा फाइबर पॉलीमर फॉर्म होगा। तो देखते हैं जो नेचुरल रीजनरेटेड फाइबर है, एसीटेट एक कमर्शियल इंडिकेशन है फाइबर का, एसीटेट, ट्राई एसीटेट, एल्जिनेट, क्यूप्रो, इलास्टोडाइन, और जो रबर है लॉयसेल, मॉडल, विस्कोस, ये जो हमारे फाइबर हैं ये रीजनरेटेड फाइबर हैं। यानी आप ये समझ लीजिए जैसे आपका बम्बू फाइबर है या विस्कोस रेयन है, ये हमारे रेयन है, विस्कोस रेयन है। विस्कोस रेयन एक स्पाउस ट्री से प्राप्त होता है और उसको हम जो है कटिंग कर लेते हैं और उसको फिर सोल्यूशन फॉर्म से में कन्वर्ट करके और हम यहाँ पे फाइबर जनरेट करते हैं। यहाँ पे जो है जो हमारे सिंथेटिक पॉलीमर है ये एक्रेलिक है, मॉड एक्रेलिक है, एरामिड है, इस तरीके से पॉलिस्टर है और हमारे तमाम सारे जो ये आपके सिंथेटिक फाइबर है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्पिनिंग मेथड फॉर डिफरेंट पॉलीमर, आपने जो ऊपर देखा कि हमारे जो है अलग अलग पॉलीमर हैं, जो है नेचुरल पॉलीमर हैं, सिंथेटिक पॉलीमर हैं,
अलग अलग हमारे पॉलीमर हैं, और इन पॉलीमर को हम जब सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करके स्पिन रेट से पास कराते हैं, तो फाइबर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे फाइबर। इस प्रोसेस में सॉल्यूशन को कन्वर्ट करने में, पॉलीमर को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, वो जो है उसको मेल्ट करके, उसको किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके जो है, या किसी ऐसे सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं जो जो सॉल्वेंट जो है एक मिनिमम टेम्परेचर, एक एवरेज टेम्परेचर पे जो इवोपरेट हो जाता है। और इस तरीके से हम अलग अलग मेथड, यानी स्पिनिंग का जो है ये अलग अलग मेथड जो है फाइबर को फॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। आइए हम देखते हैं ये कौन कौन से मेथड है। मेल्ट स्पिनिंग, ड्राई स्पिनिंग, वेट स्पिनिंग, इन तीनों स्पिनिंग के बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे मेथड को। यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि मेल्ट स्पिनिंग प्रोसेस से हम नायलॉन का जो पॉलीमर है, नायलॉन फॉर्म करते हैं, पॉलिस्टर फॉर्म करते हैं, पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, ये जो है ये नायलॉन पॉलिस्टर, ये सारे फाइबर जो है मेल्ट स्पिनिंग प्रोसेस से फॉर्म होंगे। ड्राई स्पिनिंग से ट्राई स्टेट, स्टेट विनाइन और एक्रेलिक फाइबर जो है हमारे ड्राई स्पिनिंग से जो है प्राप्त होते हैं। वेट स्पिनिंग प्रोसेस से, वेट स्पिनिंग प्रोसेस से विस्कोस रेयन, कैसियन, एक्राइलिन, विनाइल, विनाइलॉन और पीवीसी, ये जो है वेट स्पिनिंग प्रोसेस से प्राप्त होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विस्कोस रेयन, हम विस्कोस रेयन का एक संक्षिप्त परिचय आपको कराएंगे। हम लोग जो है विस्कोस रेयन और सभी फाइबर को जो है बाद में अलग से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम विस्कोस रेयन की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहेंगे फिगर है, फिगर के माध्यम से जो कुछ पिक्चर है, इमेज है, इनके माध्यम से आप ये जो है प्लांट देख रहे हैं। ये स्पाउस ट्री है, स्पाउस ट्री को हम जो है इसको कट कर लेते हैं, कट करके उसके छोटे छोटे जो है टुकड़ों में, पीस में कट कर लेते हैं, और इसको जो है सॉल्वेंट में, किसी जो है सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके और हम सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं। एक सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, सॉल्यूशन फॉर्म से हम स्पिन रेट के माध्यम से हम फाइबर फॉर्म कर लेते हैं। जनरली जो है हम मैनमेड फाइबर में फाइबर से पहले फिलामेंट फॉर्म होता है, और फिलामेंट को फिर कटिंग करके, फिलामेंट की कटिंग करके हम उसको स्टेपल फाइबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ, और यहाँ पे हमारा फिलामेंट बन गया, फिलामेंट फाइबर कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस फाइबर्स और फिलामेंट और फाइबर से हम डिफरेंट प्रकार के, हम जो है अलग अलग प्रकार के हम फैब्रिक फार्म करते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि ये जो है एक जो हमारा प्लांट है उसमें भी फाइबर है, लेकिन इसको हम सीधे इस्तेमाल फैब्रिक के रूप में, एज ए टेक्सटाइल मटेरियल के रूप में हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि कुछ केमिकल इन्वॉल्व करके और इसको जो है हमने सोल्यूशन फॉर्म करके और इसको फाइबर के रूप में कन्वर्ट कर लिया। तो इस प्रोसेस को जो ये नेचुरल पॉलीमर है, ये जो है ये नेचुरल पॉलीमर है, इसको हमने फाइबर के रूप में कन्वर्ट किया। इसको हम बोलते हैं रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर। रिज ए मैनमेड फाइबर की कैटेगरी में आता है, मानव के द्वारा निर्मित किया गया फाइबर रेशा, इसलिए ये जो है मैनमेड फाइबर की कैटेगरी में आता है। लेकिन ये जो है इसका पॉलीमर जो है नेचुरल पॉलीमर है, इसलिए जो है हम इसको रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर कहते हैं। आइए देखते हैं। विस्कोस इज ए टाइप ऑफ रेयन फाइबर दैट इज मेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस सच एज वुड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दैट आर रीजनरेटेड एज सेलुलोज फाइबर, जिसको हम रिजनरेटेड सेलुलोज फाइबर कहते हैं। ओरिजिनली नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, इन द लेट 19th सेंचुरी द टर्म रेयन केम इनटू इफेक्ट इन 1924। 1924 में जो है इस रेयन की जो है खोज की गई थी। द नेम विस्कोस डिराइव्ड फ्रॉम द वे दिस फाइबर इज मैन्युफैक्चर्ड ए विस्कस ऑर्गेनिक लिक्विड एज ए मैन्युफैक्चर्ड रिजनरेटेड सेलुलोज फाइबर। कह रहा है कि इसका जो विस्कस जो शब्द आया, हम एक जो गाढ़ा लिक्विड द्रव विस्कस जो तैयार कर रहे हैं उससे जो है इस शब्द को जो है लिया गया विस्कोस फाइबर के लिए। इट इज नाइदर ट्रूली नेचुरल, ये 100% जो है नेचुरल भी नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में केमिकल का इस्तेमाल किया गया, मिक्स किया गया, केमिकल
केमिकल के साथ. इट इज नाइदर ट्रूली नेचुरल लाइक कॉटन वूल और सिल्क, नॉट ट्रूली सिंथेटिक लाइक नायलॉन और पॉलिस्टर. और ये 100% जो है सिंथेटिक भी फाइबर नहीं है, जैसा कि हमारा पॉलिस्टर और नायलॉन होता है. इट इज फॉल समवेयर एज इन बिटवीन. और हम इस तरीके से इस विस्कोस फाइबर को देखें तो ये जो है नेचुरल फाइबर से भी काफी इसके इसकी जो है प्रॉपर्टीज मिलती हैं, और कुछ शाइनिंग लस्टर जो है प्रॉपर्टीज जो है पॉलिस्टर फाइबर या सिंथेटिक फाइबर के साथ भी मिलती है. इस तरीके से ये दोनों के बीच का एक कड़ी है, दोनों के बीच का फाइबर है. नायलॉन ये हमारा जो है प्योर 100% सिंथेटिक फाइबर है. नायलॉन का जो पॉलीमर है वो जो है कोलतार या पेट्रोकेमिकल बेस जो होगा, जो सिंथेटिक फाइबर के रूप में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. आइए देखते हैं इस जो है इमेज के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से हम प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं. जो हमारा बेस, जो हमारा नायलॉन का जो बेस है, एक नायलॉन का जो जिससे नायलॉन हमारा फॉर्म होगा, वो जो है हम कोलतार से जो है ये चिप्स में जो है पॉलीमर की एक चिप्स बना लेते हैं. पॉलीमर की चिप्स बनने के बाद इसको हम सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सॉल्यूशन फॉर्म में इसको हम हीट के माध्यम हीट देते हैं और ये सॉल्यूशन फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. और लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद स्पिनरेट से पास कराते हैं, और स्पिनरेट से पास करने के बाद जो है हम नायलॉन पॉलीमर से जो है नायलॉन फिलामेंट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिलामेंट से जो है फाइबर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं कटिंग करके फिलामेंट को, फिलामेंटो को या फिलामेंट को. और इस फाइबर से या फिलामेंट से जो है फर्दर प्रोसेसिंग करके जो रिक्वायर्ड प्रोसेस है उसको करते हुए हम फैब्रिक फॉर्म कर लेते हैं. तो ये इस तरीके से नायलॉन के डिफरेंट टाइप के आप फैब्रिक देख रहे हैं. यानी आपका जो है सबसे पहले आपने फॉर्मेशन में किया नायलॉन के, कि जो है नायलॉन पॉलीमर चिप हमने बनाया. पॉलीमर चिप को हमने जो है स्पिनिंग प्रोसेस से फिलामेंट और फाइबर में कन्वर्ट कर लिया, और फिलामेंट और फाइबर से फिर या जो है फाइबर से यार्न में कन्वर्ट करके हम डिफरेंट टाइप के जो है हम फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं नायलॉन से. आइए देखते हैं नायलॉन के बारे में जानते हैं. द इन्वेंशन ऑफ नायलॉन इन 1931. नायलॉन का जो है आविष्कार जो है 1931 में किया गया. क्रिएटेड ए रिवोल्यूशन बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट नॉन सेलुलोजिक फाइबर मेड डायरेक्टली फ्रॉम पेट्रोकेमिकल आर कोल. ये जो है फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था हमारा नायलॉन जो है. इससे पहले हम रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर जो है बना रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से 100% प्योर सिंथेटिक फाइबर फर्स्ट हमारा नायलॉन फाइबर था. नायलॉन वाज ओरिजिनली नॉट ए जेनरिक नेम फॉर पॉलीएमाइड बट द ब्रांड नेम ऑफ ड्यूपॉन्ट. ड्यूपॉन्ट जो कंपनी है उसका ये ब्रांड नायलॉन जो है ब्रांड नेम था. हेक्सामिथाइल डाइमीन एडिपिक एसिड कंडेंसेशन प्रोडक्ट कॉल्ड नायलॉन 66. ये जो है हेक्सामिथाइल डाइमीन और एडिपिक एसिड के कंडेंसेशन प्रोसेस से हम नायलॉन 66 प्राप्त करते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट पॉलीएमाइड फाइबर इज नायलॉन 6 और पॉली कैप्रोलेक्टम. इसका जो पॉलीमर होगा नायलॉन 6 का पॉली कैप्रोलेक्टम. दिस पॉलीमर वाज डेवलप्ड बाय पॉल स्टॉलेक एट आईजी फरबेन टू रिप्रोड्यूस नायलॉन 66 विदाउट वायलेटिंग ड्यूपॉन्ट्स पेटेंट. नायलॉन 6 इज मेड फ्रॉम कैप्रोलेक्टम विच सेल्फ पॉलीमराइज. अदर इंपॉर्टेंट नायलॉन्स इंक्लूड नायलॉन 4, नायलॉन 11, नायलॉन 6, नायलॉन 10. दीज फाइबर आर सोल्ड अंडर न्यूमरस ट्रेड नेम. यहाँ पे जो है नायलॉन के जो है अलग अलग हम फार्म देख रहे हैं. नायलॉन 66, नायलॉन 6, नायलॉन 4, नायलॉन 11, नायलॉन 10. तो ये जो है पॉलीमाइड हमारे फाइबर हैं, जो आगे इसकी हम कुछ उपयोगिता देखते हैं. सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नायलॉन इंक्लूड
एब्रेजन रेजिस्टेंस जो है हाई होता है नायलॉन फाइबर का, वॉशबिलिटी काफी अच्छी होती है, वॉशबिलिटी रेजिस्टेंस टू ऑयल एंड मोस्ट केमिकल जो है, रेजिस्टेंस पावर जो है इस नायलॉन फाइबर की जो है अच्छी होती है कई केमिकल के साथ जो है, इसका रिएक्शन जो है आसानी से नहीं होता है। लो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी, मॉइस्चर कम एब्जॉर्ब करता है फाइबर। रेजिलेंसी यानी फाइबर कंप्रेस होता है, बेंड होता है तो पुनः अपनी अवस्था में आसानी से आ जाता है। रेजिलेंसी रेजिस्टेंस टू मिल्ड्यू मोल्ड एंड मॉथ जो है, इस पे कीड़े या बैक्टीरिया इन सब चीजों का इफेक्ट जो है काफी कम होता है, नहीं के बराबर होता है। नायलॉन एलो विथ एज, एक लंबे समय के बाद नायलॉन जो है एलोइस कलर में चेंज होता है। सम कॉमन यूजेज ऑफ नायलॉन इंक्लूड द फॉलोइंग, ब्लाउज लिंगरीज, ब्लाउज के फॉर्मेशन, ब्लाउज बनाने में, लिंगरीज में, स्विम वियर जो तैराकी में कपड़े यूज किए जाते हैं, स्काई एप्रल, रेनकोट्स, इस तरीके से हम नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं। पॉलिस्टर, अब यहाँ पे हम दूसरा फाइबर का परिचय आपको कराएंगे, पॉलिस्टर फाइबर का। देखिए जो है जो पेट्रो केमिकल प्रोडक्ट है उससे जो है हम जो है पॉलीमर चिप जो है फार्म कर लेते हैं, तो ये हमारी जो है पॉलीमर चिप, आप जो ये व्हाइट कलर की देख रहे हैं ये पॉलीमर चिप है, जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से जो है हमारी पॉलीमर चिप फार्म। सबसे पहले जो है फाइबर को बनाने के लिए हम उसका पॉलीमर फार्म करते हैं, पॉलीमर फार्म हो गया हमारा। अब उस पॉलीमर को हम जो है सोल्यूशन फार्म में कन्वर्ट कर, सोल्यूशन फार्म में हम उसको मेल्ट करके या किसी केमिकल के साथ डिजॉल्व करके हम सोल्यूशन फार्म कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है पॉलीमर को हम मेल्ट करके और इस चिप को मेल्ट करके और पॉलीमर लिक्विड फार्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, थिक लिक्विड, और उस थिक लिक्विड से स्पिनरेट से पास करा देते हैं जो हमारे फिलामेंट फार्म हो जाते हैं, फिलामेंट की कटिंग करके हम स्टेपल फाइबर में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरीके से फिलामेंट से या स्टेपल फाइबर से यार्न प्रोड्यूस करके, यार्न बना करके हम डिफरेंट टाइप्स के जो है हम फैब्रिक फार्म करते हैं। तो आइए देखते हैं पॉलिस्टर के बारे में। द फर्स्ट मैनमेड पॉलिस्टर फाइबर वॉज डेवलप्ड बाई ड्यूपॉन्ट इन 1946 एंड वॉज सोल्ड अंडर द ट्रेड नेम टेरिलीन। कह रहे कि जो सबसे पहले पॉलिस्टर जो फार्म किया गया, बनाया गया 1946 में ड्यूपॉन्ट कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है इसके द्वारा जो है बनाया गया था, और इसका जो ट्रेड नेम है, व्यावसायिक नाम है वो टेरिलीन है। ड्यूपॉन्ट ने इसको टेरिलीन के रूप में जो है कमर्शियल रूप से बेचा। द मेजोरिटी ऑफ टूडे पॉलिस्टर फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ टेरेथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। जो अधिक तरीके से जो हमारा जो फाइबर जो बनाया जा रहा है वो टेरेथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल के पॉलीमर से जो है फार्म किया जा रहा है। पॉलिस्टर फाइबर एंड पॉलिस्टर फैब्रिक्स एंड यार्न मेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पॉलिस्टर आर स्ट्रॉन्ग, और इससे जो हमारा जो पॉलिस्टर फाइबर या फैब्रिक जो बनता है वो काफी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, वेरी इलास्टिक, इलास्टिसिटी प्रबल जो है नेचर होता है, एंड हैव हाई एब्रेजन एंड व्रिंकल। और जो हमारा फाइबर फैब्रिक या यार्न होता है वो हाई एब्रेजन प्रॉपर्टी रखता है और व्रिंकल फ्री यानी इसमें क्रीज जो है फैब्रिक में या यार्न में जो क्रीज आती है वो आसानी से रिमूव हो जाती है। अदर फाइबर आर ऑफ्टन ब्लेंडेड विथ पॉलिस्टर फर्दर मेकिंग आइडेंटिफिकेशन डिफिकल्ट, और हम इस पॉलिस्टर फाइबर के साथ बहुत सारे फाइबर, नेचुरल और मैनमेड फाइबर को मिक्स करके हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के फैब्रिक फार्म करते हैं, यार्न फार्म करते हैं और फैब्रिक फार्म करते हैं। आइए कुछ इसके जो है यूजेस देखते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिस्टर फाइबर इंक्लूडेड एज फॉलोइंग, स्ट्रेंथ, फाइबर की स्ट्रेंथ, पॉलिस्टर फाइबर की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। रिजिलेंसी, रेजिस्टेंस टू मोस्ट केमिकल, अधिक बहुत सारे केमिकल का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्विक ड्राइंग, आसानी से जल्दी से सूख जाता है। वॉशबिलिटी, धोने में आसानी होती है। रेजिस्टेंस टू मिल्ड्यू, कीड़े मकोड़े का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। व्रिंकल रेजिस्टेंस, इस पे श्रिंकेज प्रॉपर्टी फाइबर और फैब्रिक में बहुत कम होती है, नहीं होती है। रिटेन हीट सेट प्लिंट एंड क्रीजेज,
Next point, aisle strain are difficult to remove from polyester fabrics. Some major uses of polyester fiber include blouse ke banane mein, shirt banane mein, dresses banane mein, टाइज में, शूट में, और भी हमारे पॉलिस्टर फाइबर के और भी इसके अलावा बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं. एक्रेलिक, अगला जो हम फाइबर जो है मैनमेड फाइबर देखते हैं. एक्रेलिक फाइबर, जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि हम किस एक्रेलिक फाइबर या पॉलिस्टर फाइबर की ये जो मैनमेड फाइबर है इनको फार्म करने के लिए हम सबसे पहले इनका पॉलीमर जो है केमिकल से क्या फार्म कर लेते हैं, पॉलीमर इनका बना लेते हैं और पॉलीमर चिप्स से जो हम इसको फाइबर में कन्वर्ट कर लेते हैं. फाइबर से यार्न में हमने कन्वर्ट कर लिया, यार्न से जो है फैब्रिक में हम जो है कन्वर्ट कर लेते हैं फाइबर को. तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं ये यार्न है, फैब्रिक है, फाइबर है, और ये फाइबर चिप्स से जो है ये आपकी फाइबर टू और फाइबर कन्वर्ट किए गए हैं. एक्रेलिक फाइबर के बारे में देखते हैं. द फर्स्ट कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एक्रेलिक फाइबर इन द यूएस वॉज इन 1950. Acrylic fiber are made from acrylonitrile, a petrochemical. The combination of acrylonitrile with small amount of other chemical improve the ability of fiber to absorb dye. Acrylic fiber are unique among synthetic fiber because of these have an uneven surface. कह रहे कि acrylic fiber in synthetic fiber में थोड़ा अलग है, unique है. कुछ इसका जो है नेचर जो है प्रॉपर्टीज जो है आपकी सिंथेटिक फाइबर से अलग दिखती है. आइए देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो सिंथेटिक फाइबर से अलग है. सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्रेलिक इंक्लूडेड द फॉलोइंग. वूल लाइक फील, ये जो है आपका एक्रेलिक फाइबर है ये वूल की तरह बिहेव करता है. इसको हम जो है वूल का सब्स्टिट्यूट फाइबर भी कहते हैं एक्रेलिक फाइबर को. जनरली आप जो है मार्केट में जो आप कंबल, स्वेटर जो है आप देखे होंगे ये एक्रेलिक फाइबर से बने होते हैं. आप जो स्वेटर पहनते हैं मैक्सिमम जो है 99% जो स्वेटर हमारे होते हैं वो एक्रेलिक फाइबर से बने होते हैं. इसका रीजन होता है ये हमारा फाइबर चीप होता है, सस्ता होता है, और इससे जो है सस्ते में हम जो है ऊल का एक सब्स्टिट्यूट जो है तैयार कर लेते हैं. इस वजह से हम एक्रेलिक फाइबर को मेजर रूप से ऊल के स्थान पे यूज करते हैं. द ऊल ऊल फर्स्ट जो पॉइंट है ऊल लाइक फील, सॉफ्टनेस एंड वार्म्थ, सॉफ्ट होता है, गर्म फील देता है. सेपर रिटेंशन, अपने शेप में आसानी से लौट आता है. रेजिलेंसी, क्विक ड्राइंग, आसानी जल्दी से सूखता है. रेजिस्टेंस टू मॉथ, कीड़े का इस पे इफेक्ट नहीं होता है. रेजिस्टेंस टू सनलाइट, जो है सूर्य के रोशनी का इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है. रेजिस्टेंस टू ऑयल एंड केमिकल, केमिकल और का जो है इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है. वॉशेबिलिटी, आसानी से धुल जाता है. एक्रेलिक फैब्रिक स्टफर फ्रॉम पीलिंग एंड एब्रेजन प्रॉब्लम. एक्रेलिक फैब्रिक में जो है एक प्रॉब्लम आती है जो एक लंबे समय यूज करने के बाद जो है फाइबर फैब्रिक सरफेस पे जो है छोटे छोटे बॉल्स फॉर्म हो जाते हैं जिसको पिल्स कहते हैं. सम मेजर यूजेस फॉर एक्रेलिक फाइबर इंक्लूड स्वेटर, जो है हम स्वेटर के स्वेटर बनाने में जो है हम जैसा कि आपको बताया 99% स्वेटर जो है एक्रेलिक फाइबर के बने होते हैं. सॉक्स, सॉक्स के फॉर्मेशन में, सॉक्स बनाने में, मोजे बनाने में हम एक्रेलिक फाइबर का इस्तेमाल करते हैं. स्पोर्ट्स वियर, स्पोर्ट्स के जो कपड़े पहने जाते हैं वो एक्रेलिक से, बहुत सारे एक्रेलिक से बनाए जाते हैं. ब्लैंकेट और कंबल बनाने में जो है हम लोग इसका एक्रेलिक फाइबर का इस्तेमाल करते हैं. अगला हमारा जो है फाइबर है स्पेंडेक्स लाइक्रा, जिसको हम लाइक्रा जो स्ट्रेचेबल फाइबर होता है. आपने बहुत सारे आप जींस, टी शर्ट और स्पोर्ट्स वियर आपने देखा होगा जो बॉडी फिट हो जाते हैं, बिल्कुल बॉडी फिट होते हैं, उस में जो है हमारा लाइक्रा इस्तेमाल किया गया होता है. बीच में यार्न के जो है फाइबर के बीच में जो है लाइक्रा जो है फिलअप कर दिया जाता है स्पिनिंग प्रोसेस के दौरान, जिससे वो फाइबर उस यार्न से जब हमारा फैब्रिक बनता है तो स्ट्रेचेबल होता है. स्पेंडेक्स लाइक्रा, स्पेंडेक्स इज, आप यहाँ फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि ये आपका लाइक्रा यार्न है. लाइक्रा यार्न से जो है हमने जो फाइबर के साथ इसको मिक्स करके यार्न प्रोड्यूस कर लिया और यार्न से हमारा ये फैब्रिक है.
आपने देखा स्ट्रेचेबल, बिल्कुल बॉडी फिट जो है हमारा फैब्रिक तैयार होता है। ये स्पोर्ट्स में जो है जो फैब्रिक हमारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स जो वियर होते हैं वो जनरली उसमें लाइक्रा का इस्तेमाल होता है। तो हम इसके बारे में देखते हैं। लाइक्रा स्पेंडेक्स इज लाइट वेट सिंथेटिक फाइबर दैट इज यूज टू मेक स्ट्रेचेबल क्लॉथिंग सच एज स्पोर्ट्स वियर। कह रहे हैं कि जो है स्पेंडेक्स हमारा लाइट वेट, वेट काफी कम होता है, हल्का मटेरियल होता है स्पेंडेक्स फाइबर, और ये स्ट्रेचेबल फिलामेंट होता है जो फैब्रिक में इस्तेमाल करते हैं, तो फैब्रिक हमारा स्ट्रेचेबल हो जाता है। और इसका क्लॉथिंग हम सच एज स्पोर्ट्स वियर में हम इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ए लॉन्ग चेन पॉलीमर कॉल्ड पॉलीयुरेथेन। कह रहे हैं जो पॉलीमर आपका बना होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा होती है, जिस जो पॉलीमर होता है वो पॉलीयुरेथेन्स होता है, विच इज प्रोड्यूस बाई रिएक्टिंग ए पॉलीग्लाइकॉल विथ ए डाई आइसोसाइनेट। जो है आपका पॉलीयुरेथेन जो है पॉलीग्लाइकॉल और डाई आइसोसाइनेट के जो है केमिकल कंपोजिशन से हमारा ये पॉलीमर फॉर्म होता है। द पॉलीमर इज कन्वर्टेड इंटू फाइबर यूजिंग ए ड्राई स्पिनिंग टेक्निक। ड्राई स्पिनिंग के मेथड से हम पॉलीमर को जो है फाइबर में, पॉलीमर को फिलामेंट में या फाइबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोड्यूस ए इन ईयरली 1950 स्पेंडेक्स वॉज इनिशियली डेवलप्ड एज रिप्लेसमेंट फॉर रबर। कह रहे कि 1950 में जो है स्पेंडेक्स फाइबर हमारा डेवलप किया गया, और जस्ट लाइक इसका जो है बिहेवियर रबर की तरह होता है, तो रबर को ये जो है रिप्लेस किया। ऑल्दो द मार्केट फॉर स्पेंडेक्स रिमेन रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर टू अदर फाइबर, अदर फाइबर के कंपेरिजन में जो हमारा लाइक्रा फाइबर है, स्पेंडेक्स फाइबर है, इसकी मार्केट शेयर कम है। अब यहाँ पे जो है हमने नेचुरल फाइबर को, प्रीवियस लेक्चर में हमने नेचुरल फाइबर को पढ़ा था, और इस लेक्चर में हमने मैन मेड फाइबर का जो है एक परिचय आपको कराया इस लेक्चर के माध्यम से, और इसी लेक्चर में हम आपको जो है इन दोनों फाइबर का कंपैरिजन कराते हैं कि नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर का बिहेवियर किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न होता है। तो डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर आर एज फेलोज। यहाँ पे आप एक कार्टन, एक नेचुरल फाइबर है इसको देख रहे हैं, और ये हमारा सिंथेटिक फाइबर है इसको आप देख रहे हैं। तो आइए इसके जो है दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं, आइए देखते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर सब्सटेंस, नेचुरल फाइबर मैन मेड फाइबर। तो हमारा पहला पॉइंट है डिफिनेशन। नेचुरल फाइबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द फाइबर विच वी गेट फ्रॉम नेचर इज नोन एज नेचुरल फाइबर, यानी वो फाइबर जो नेचर से प्राप्त होते हैं उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। द फाइबर विच आर मेड फ्रॉम रीजनरेशन सिस्टम इज नोन एज मैन मेड फाइबर। जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं रेशे उनको हम मैन मेड फाइबर कहते हैं। मॉलिकुलर वेट, हियर नंबर ऑफ मॉलिकुलर वेट हैज नो लिमिटेड, यानी मॉलिकुलर वेट में वेरिएशन होता रहता है नेचुरल फाइबर में, और मैन मेड फाइबर में हियर नंबर ऑफ मॉलिकुलर वेट हैज लिमिटेड, और यहाँ जो है मॉलिकुलर वेट जो है मैन मेड फाइबर के केस में लिमिटेड होता है, कम होता है, और नेचुरल फाइबर के केस में मॉलिकुलर वेट जो है ज्यादा होता है। हाइजेनिक फ्रॉम नेचुरल फाइबर हाइजेनिक फैब्रिक इज मेड, नेचुरल फाइबर से जनरली जो है हाइजेनिक फैब्रिक तैयार किए जाते हैं जो मेडिकल वगैरह में जो इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रॉम मेड और मैनमेड फाइबर के केस में देखें, फ्रॉम मैनमेड फाइबर हाइजेनिक फैब्रिक इज नॉट मेड, हाइजेनिक फैब्रिक मैनमेड फाइबर से तैयार नहीं किए जाते। कंफर्टेबल पोजीशन अगर हम देखें दोनों फाइबर का, तो नेचुरल फाइबर इज कंफर्टेबल टू वियर, नेचुरल फाइबर कंफर्टेबल होता है पहनने में, मैनमेड फाइबर इज अनकंफर्टेबल टू वियर, मैनमेड फाइबर कंपेयर देन नेचुरल फाइबर अनकंफर्टेबल, यानी उतना कंफर्टेबल नहीं होता है जितना नेचुरल फाइबर होता है। ड्यूरेबिलिटी, हम जो है फाइबर की ड्यूरेबिलिटी देखें कि फाइबर हमारा कितना ड्यूरेबल होता है, नेचुरल फाइबर इज लेस ड्यूरेबल और मैनमेड फाइबर इज मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर, और मैनमेड फाइबर जो है ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, यानी ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं मैनमेड फाइबर, नेचुरल फाइबर कम समय तक चलते हैं। स्पिन रेट, इन स्पिनिंग प्रोसेस नो नीड
टू स्पिन रेट, यानी नेचुरल फाइबर को स्पिनिंग प्रोसेस के माध्यम से नहीं बनाया जाता है, इन नेचर में बनते हैं हमारे नेचुरल फाइबर। मैनमेड फाइबर इन स्पिनिंग प्रोसेस स्पिन रेट इज इसेंशियल, और स्पिनिंग प्रोसेस में जो है स्पिन रेट जो है आवश्यक हो जाता है। फॉरेन मेटेरियल यानी जो है अशुद्धि को जो होती है, और फॉरेन मेटेरियल को हम जो है अशुद्धि के रूप जो होती है उसको फॉरेन मैटर कहते हैं। इन नेचुरल फाइबर देयर मस्ट कंसिस्ट डार्ट डर्ट डस्ट, ये डार्ट डस्ट होना चाहिए, डर्ट होना चाहिए, डर्ट डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज। दिस और मैनमेड फाइबर के केस में दिस फाइबर इज मेड बाय मैन सो देयर हैज नो नेचुरल इम्प्योरिटीज। ये जो है मैनमेड फाइबर होते हैं इसमें कोई नेचुरल इम्प्योरिटीज नहीं होती। मेकिंग कास्ट, जो हम फाइबर को बनाने में जो कास्ट आती है, मेकिंग कास्ट ऑफ नेचुरल फाइबर इज एक्सपेंसिव। नेचुरल फाइबर हमारे एक्सपेंसिव होते हैं, इनको जो है प्रोड्यूस करने में जो कास्ट आती है ज्यादा आती है। मेकिंग कास्ट ऑफ मैनमेड फाइबर इज चीपर कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, जो हमारे मैनमेड फाइबर की कास्ट है वो कम होती है। फाइबर लेंथ इज कंट्रोल बाय नेचर, जो है नेचर नेचुरल रूप से हमें फाइबर मिलते हैं नेचुरल फाइबर, ये तो नेचर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और मैनमेड फाइबर के केस में फाइबर लेंथ इज कंट्रोल बाय मैन, जो हम चाहते हैं जिस लेंथ का हम फाइबर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिस लेंथ का फिलामेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं उस लेंथ का फाइबर फिलामेंट हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। एनवायरमेंटल एनवायरमेंट फ्रेंडली, नेचुरल फाइबर इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, मैनमेड फाइबर इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। मैनमेड फाइबर जो है हार्मफुल होते हैं हमारे एनवायरमेंट के लिए। आइए एक महत्वपूर्ण डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। जो आपके हमारे प्रीवियस लेक्चर हुए हैं उस लेक्चर के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन आंसर आपके लिए प्रिपेयर किया है, जो आपको एग्जाम में और इंटरव्यू में, जॉब इंटरव्यू में आपको काफी बेनिफिशियल होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर को जो है शुरू करते हैं। प्रोटीनाइज फाइबर आर नोन एज एनिमल फाइबर, मैनमेड फाइबर, वेजिटेबल फाइबर एंड मिनरल्स फाइबर्स। जो है ये मैनमेड फाइबर होते हैं, जो प्रोटीन बेस जो है मैनमेड फाइबर होते हैं उसको प्रोटीनाइज फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज ए लीफ फाइबर, इनमें से कौन सा लीफ फाइबर है, किनाफ, पाइनएपल, कपॉक, क्वायर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पाइनएपल हमारा जो है लीफ फाइबर है। क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉटन इज, कॉटन फाइबर का क्रॉस सेक्शन हम जो है कैसा होता है, बीन शेप, डॉग बोन शेप, राउंड शेप, ट्रायंगुलर शेप। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉटन फाइबर होता है उस कॉटन फाइबर का क्रॉस सेक्शन बीन शेप्ड होता है। फोर्थ क्वेश्चन, वेट स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन इज डैश इट्स ड्राई स्ट्रेंथ, यानी हायर देन, लोअर देन, सेम एज, कंपेरेबल। तो हम यहाँ पे देखें कि वेट स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन इज हायर देन इट्स ड्राई स्ट्रेंथ, यानी कॉटन फाइबर जब गीला होता है, वेट अवस्था में होता है, उसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है, ज्यादा होती है कंपेयर देन ड्राई स्ट्रेंथ। लिनन इज द फैब्रिक ऑफ डैश फाइबर, कॉटन, फ्लैक्स, सिल्क, वूल। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कॉटन लिनन इज फ्लैक्स फाइबर, जो है लिनन जो है फ्लैक्स फाइबर है। रेटिंग इज रोटिंग डन फॉर रेटिंग डैश रोटिंग डन फॉर बास्ट फाइबर, यानी जो बास्ट फाइबर की रेटिंग जो प्रोसेस है, फंगल, एंजाइम, बैक्टीरियल, केमिकल। तो यहाँ पे जो है जो बास्ट फाइबर है उसकी जो रेटिंग होती है बैक्टीरियल होती है, तो रेटिंग इज बैक्टीरियल रोटिंग डन बाई बास्ट फाइबर। क्वायर इज ए डैश फाइबर, सीड, लीफ, फ्रूट, प्रोटीन। तो जो क्वायर फाइबर है हमारा जो है फ्रूट फाइबर है, क्वायर इज ए फ्रूट फाइबर। इस तरीके से हम मैनमेड फाइबर को समझा, हमने एक परिचय हमने लिया मैनमेड फाइबर का। अगर इस क्वेश्चन आंसर को समझने में करने में आपको अगर कठिनाई महसूस हो रही हो तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर की वीडियो को फिर से एक बार दो बार सुन लें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।